शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में पत्रकार परिषद ली गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहरों का नाम बदलने संबंधी निर्णय की जानकारी दी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में कैबिनेट की बैठक हुई। उसके बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली गई। इस वक्त उन्होंने कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले की जानकारी दी है। औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर अब छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है, जबकि कैबिनेट बैठक में उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव रखने का बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यह जानकारी दी है। नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलकर डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कर दिया गया है। आज की कैबिनेट बैठक में 165 विधायकों के बहुमत से ये बड़ा फैसला लिया गया है। दूसरा एक MMRDA जे आहे ते मोठ्या प्रमाणावर प्रोजेक्ट जे आहेत राबवते आहे, म्हणजे विविध क्षेत्रामध्ये MMR मध्ये, आणि आपल्याला माहित आहे मेट्रो, फ्लायओव्हर, रस्ते, ट्रॅफिकच्या वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी अनेक प्रकल्प, किंबहुना शिवडी न्हावाशेवा अतिशय मोठा प्रकल्प, हे अनेक प्रकल्प जे आहेत ते MMRDA राबवते, आणि ते राबवत असताना त्यांना जी काय आर्थिक आवश्यकता असते त्याच्यासाठी त्यांनी 60,000 कोटीपर्यंतचं कर्ज उभारण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये त्याला मान्यता दिलेली आहे। या कर्जापैकी पहिल्या टप्प्यात उभारण्यात येणाऱ्या 12,000 कोटी रकमेची आज त्यांना शासन हमी देखील दिलेली आहे आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये, जेणेकरून कुठलाही प्रकल्प थांबणार नाही। कारण मला वाटतं आपल्या कारकिर्दीमध्ये त्यावेळेस अनेक प्रकल्प सुरू झाले आणि मध्ये 2 वर्षामध्ये कोविड असेल किंबहुना आणखी काही कारणं असतील, त्यामुळे जे काही कुठलेही हे प्रकल्प जे आहेत वेळेमध्ये पूर्ण व्हावेत म्हणून तोही निर्णय आम्ही आज महत्त्वपूर्ण घेतलेला आहे। लव यू दीपिका, बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।